Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. टोरंटो बर्फबारी की लपेट में, एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में बर्फबारी की वार्निंग जारी। शहरियों का एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया गया। कनाडा भर में कोरोना की वार तेजी से जारी, मरीजों की मजमूई तादाद 8,26,924 तक जा पहुंची। हलाकतें 21,311 हो गई। चीन में कनेडियन शहरियों की गिरफ्तारी का मामला, कनाडा का चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए 57 ममालिक के साथ इत्तेहाद। चीन की जानिब से इत्तेहाद को बेकार कोशिश करार दिया गया है। जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाले कोरोना वायरस की ओंटेरियो में 6 केसेस रिपोर्ट, एक ही इमारत में 5 अफराद में नए कोरोना वायरस की तस्दीक, पूरी इमारत के मकीनों के टेस्ट कर लिए गए। अमेरिका के बेशतर हिस्सों में शदीद बर्फबारी और यख बस्ता हवाओं का जोर, डैलस में तकरीबन 1,000 परवाजें मनसूख कर दी गईं, हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 10,96,75,000 से बढ़ गई है और 24,18,728 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया में कोरोना के 8,42,13,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। आमिर खान के बेटे ने अदाकारी के मैदान में कदम रख दिया। इरा ने अपने भाई के लिए लिखा कि उनकी पेशावराना महारत बेमिसाल है, मैं उनके लिए बेहद पुरजोश हूँ। आन जहानी अदाकार सुशांत सिंह के साथी अदाकार ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। खुदकुशी से कबल फेसबुक पर वीडियो पोस्ट की थी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो में शदीद बर्फबारी के सबब शहरियों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में बर्फबारी की वार्निंग जारी है, जबकि शहर में 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। पीर के रोज से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला 48 घंटों तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शदीद बर्फबारी के सबब शहरियों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दिन के औकात में दर्जा हरारत -7 और रात के औकात में -13 तक जा सकता है और 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के सबब हद निगाह कम हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बर्फ जमा होने की वजह से शाहराहें, सड़कें, राहदारियां और पार्किंग लॉट जैसी जगहों पर रसाई मुश्किल हो सकती है। कनाडा की वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि कनाडा में ज़मीनी रास्तों से दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए नए कानून का निफाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,26,924 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 21,311 हो गई, जबकि 7,69,929 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,77,518 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,229 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,85,868 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,693 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,29,000
76 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं जबकि 1782 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 72,750 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,288 है। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि कैनेडा में जमीनी रास्तों से दाखिल होने वाले मुसाफरों के लिए नए कवानीन का नफाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में इंतहाई जरूरी सफर करने वालों के अलावा तमाम अफराद पर नए कवानीन का इत्तलाक होगा। कनाडा ने अपने दोस्तों के साथ इत्तेहाद किया है ताकि चीन में कैद कनेडियन शहरियों की गिरफ्तारी की मजम्मत कर सकें। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा ने अपने दोस्तों के साथ इत्तेहाद किया है ताकि चीन में कैद कनेडियन शहरियों की गिरफ्तारी की मजम्मत कर सकें। कनाडा और 57 दीगर ममालिक के इत्तेहाद की जानिब से नए बैनुल अक़वामी ऐलामिये में चीन में सियासी मकासद के लिए गैर मुल्की शहरियों को रियासती सरपरस्ती में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद करने की मजम्मत की गई है। यह नया इकदाम चीन में दो कनेडियन शहरियों की गिरफ्तारी के बाद एक साल की सिफारती कोशिशों के बाद किया गया है जिनकी गिरफ्तारी को 800 दिन होने वाले हैं। चीन में कैद दो कैनेडियन शहरियों की रिहाई हुकूमत की पहली तरजीह है। इस नए ऐलान का मकसद है कि रूस, ईरान और शुमाली कोरिया जैसे दूसरे ममालिक के खिलाफ भी जबरदस्ती की जाने वाली रविश को खत्म किया जाए। कैनेडा के वजीर खारजा मार्क कार्नियो का कहना है कि इस इत्तेहाद में मजीद मुल्कों को भी शामिल किया जाएगा ताकि चीन पर दबाव को मजीद बढ़ाया जा सके। चीन की जानिब से इस ऐलामिये की मुखालफत की गई है। चीनी सिफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि चीन के खिलाफ मेगाफोन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन पर दबाव डालने की इस तरह की कोशिश सरासर बेकार है और ये सिर्फ एक मुर्दा अंजाम की तरफ बढ़ेगी। पब्लिक हेल्थ हुकाम के मुताबिक मिसिसागा की एक रिहायशी इमारत में जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के 5 केस सामने आए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पब्लिक हेल्थ हुकाम के मुताबिक मिसिसागा की एक रिहायशी इमारत में जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के 5 केसेस सामने आए हैं जिसके बाद हुकाम का कहना है कि तमाम रिहायशियों के टेस्ट किए गए हैं ताहम किसी मखसूस इमारत के नाम और महले वकू की वजाहत नहीं की गई। पील रीजनल मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ का कहना है कि फ्लोर बाय फ्लोर टेस्टिंग की गई है वायरस के मजीद फैलाव को रोका जा सके। हुकाम का कहना है कि पील रीजन में कहीं और ये वायरस सामने नहीं आया जिसका मतलब ये सूबे में नहीं फैला है। हुकाम के मुताबिक इस इमारत के 5 अफराद में कोरोना वारियंट वायरस की तस्दीक हुई है। वाज़ेह रहे कि वारियंट कोरोना की किस्म जनूबी अफ्रीका में सामने आई थी। ऑन्टेरियो में इसका पहला केस 1 फरवरी को सामने आया था जिसके बाद सूबे भर में 6 अफराद में इसकी तस्दीक हो गई है। तब से अब तक 351 अफराद में ये वायरस पाया गया है। मौसम सरमा के तूफान के बायस अमरीका के बेशतर हिस्सों में शदीद बर्फबारी और यख बस्ता हवाओं का जोर है। डेलिस में तकरीबन 1,000 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा के तूफान के बायस अमरीका के बेशतर हिस्सों में शदीद बर्फबारी और यख बस्ता हवाओं का जोर है। डेलास में तकरीबन 1,000 परवाजें मनसूख कर दी गयी। टेक्सास की 254 काउंटीज में फेडरल इमरजेंसी नाफिज है। ह्यूस्टन में हुकाम ने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा है कि वो सड़कों की खतरनाक सूरत हाल के लिए तैयार रहें। मौसमी सूरत हाल के बायस मगरबी टेक्सास में हाईवे पर गाड़ियों के आपस में टकराने के मुतअद्दिद वाकयात पेश आए। अमरीका के जनूबी हिस्से से मिड वीस्ट और शुमाल मशरकी हिस्से बर्फबारी और बर्फानी हवाओं की लपेट में है। टेक्सास के गवर्नर की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने 254 काउंटीज में फेडरल इमरजेंसी नाफिज कर दी है जिसके बाद तमाम फेडरल एजेंसियां रिलीफ के कामों में तआवुन कर सकेंगी। तूफानी मौसम के बायस मगरबी वर्जीनिया में 19,000 अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। मगरबी टेक्सास में हाईवे पर मुतअद्दिद गाड़ियों के आपस में टकराने के कई वाकयात भी पेश आए। एक हादसे में 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। अमेरिका के वस्ती और मशरकी सेक्शंस में आज शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई है। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है जहां 4,98,203 अमवात हो चुकी हैं और 2,83,17,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 10,96,75,000 से बढ़ गई है और 24,18,728 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दुनिया में कोरोना के 8,42,13,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,28,90,000 से ज़ायद ज़ेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है जहाँ 4,98,203 अमवात हो चुकी हैं और 2,83,17,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में
में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 155,840 और 1,09,25,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,39,895 और 98,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। रूस में 40,86,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 80,520 है। बरतानिया में 40,47,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं और 1,17,396 अफराद की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 34,69,000 से ज्यादा अफराद मुतासर और 82,226 जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में 30,86,000 से ज्यादा अफराद मुतासर और 65,449 अमवात हुई है। इटली में भी 27,29,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं, जबकि 93,835 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय अदाकार आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने अदाकारी की दुनिया में कदम रख दिया, जहां उन्होंने शूटिंग का आगाज भी कर दिया। इस बारे में खुद उनकी बहन ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय अदाकार आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने अदाकारी की दुनिया में कदम रख दिया, जहां उन्होंने शूटिंग का आगाज भी कर दिया। इस बारे में खुद उनकी बहन ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान की बेटी और जुनैद खान की बहन इरा खान ने एक पोस्ट शेयर करके अपने भाई के फिल्म नगरी में एंट्री से आगाह किया। इरा ने लिखा कि ये उनका पहला शो या पहला प्ले नहीं, बल्कि ये उनका शूटिंग का पहला दिन है और मुझे उनकी ये तस्वीर बहुत पसंद है। उनका कहना था कि जुनैद तो वैसे ही कई सालों से अदाकारी कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी मेरे लिए नया है। इरा ने अपने भाई के लिए लिखा कि उनकी पेशावराना महारत बेमिसाल है, मैं उनके लिए बेहद पुरजोश हूँ, मुझे उनका सबको हैरान करने का बेचैनी से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान के बेटे जुनैद खान फिल्म महाराजा से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक और अदाकार ने नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले भारतीय अदाकार ने आन जहानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी हिट फिल्म धोनी में भी काम किया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक और अदाकार ने नामालूम वजूहात के बिना पर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने वाले भारतीय अदाकार ने आंजहानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी हिट फिल्म धोनी में भी काम किया था। भारतीय जराय इब्लाग के मुताबिक सुशांत की हिट फिल्म धोनी में उनके साथ काम करने वाले अदाकार संदीप नहर ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंजहानी अदाकार की लाश मुंबई में उनके घर से मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कमरे में लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने संदीप को मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी मौत से कबल संदीप ने फेसबुक पर एक वीडियो डाली थी, जिसे सुसाइड नोट करार दिया था। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में संदीप ने अपने पेशे से मुतालिक मसाइल और अज़दवाजी जिंदगी की पेचीदगियों समेत दीगर मसाइल का तस्करा किया था। उन्होंने आखिर में कहा था कि उनके किसी भी अमल के लिए अहलिया को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। सुशांत सिंह राजपूत ने भी जून 2020 में खुदकुशी कर ली थी, ताहम उसकी वजह सामने ना आ सकी है कि उन्होंने इंतहाई कदम क्यों उठाया था। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।